हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बट आज डेट है 21 अक्टूबर 2020। प्लीज़ ओपन योर हिंदी रीडर बुक, मुस्कान बुक, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 78। ओके, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता जिसका नाम है बचपन। बचपन मीन्स बच्चों का समय, जब हम बच्चा होते हैं तो वो समय वो कैसा होता है। धूप छांव सा होता बचपन, सपने नए संजोता बचपन। बचपन जो है वो धूप छांव की तरह होता है, मीन्स कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम खेलते हैं, कभी हम बैठ जाते हैं। सपने नए संजोता बचपन, और बचपन एक ऐसा समय होता है जब हम सबसे ज़्यादा अधिक नए से नए सपने देखते हैं, मतलब आगे बढ़ने की आशा करते हैं, हम कैसे क्या करेंगे, बड़े होके क्या बनेंगे। पल में हंसाता, पल में रुलाता, पल में गम बुलाता बचपन। बचपन एक ऐसा समय है जो हमेशा सबको खुशी देता है, मीन्स बचपन बच्चों का समय। उस समय हम बेपरवाह होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हम कितनी परेशान हो लेकिन उसको भी भूल जाते हैं। अगर हम किसी परेशानी में हैं मान लो, तो हम किसी बच्चे के साथ खेलते हैं, बच्चे से बोलते हैं, तो वो हमारी हर परेशानी को एक मिनट में भुला देता है। इंद्रधनुष के रंगों जैसा रंग बिरंगा होता बचपन। बचपन जो है वो इंद्रधनुष के रंगों जैसा होता है। इंद्रधनुष कब निकलता है हमें? जब बारिश आती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। ओके, इंद्रधनुष के रंगों जैसा रंग बिरंगा होता बचपन। बचपन भी इंद्रधनुष के रंगों की तरह रंगीन होता है, मीन्स कभी हंसता, कभी रोता। बनकर पंछी पंख फैलाए आसमान में उड़ता बचपन। कभी तो ये पंछी की तरह, पक्षी की तरह अपने पंख फैलाकर अपनी मर्जी करता है, कभी ये आगे दौड़ जाता है, कभी आसमान में उड़ता दिखते, मीन्स आगे बढ़ जाता है। सांप सीढ़ी खेल खिलौने कितना सादा होता बचपन। बचपन इतना सादा होता है कि उसमें कभी हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, बस हमें और किसी चीज़ की चिंता, किसी चीज़ की परेशानी, कोई परवाह नहीं होती। याद कर जब बचपन रोता है मन, मम्मी आकर है समझाती। बीत भले ही जाता है पर कभी बिसर ना पाता बचपन। जब भी हम अपना बचपन याद करते हैं और हमारा मन परेशान होता है, हम रोते हैं या मन परेशान होता है, तो हमारी मम्मी हमको क्या समझाती है कि वो बचपन बीत तो गया लेकिन वो हम उसको कभी भी भुला नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा प्यारा समय होता है। ओके, अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले आपको दिए गए हैं शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। छाम छाया, संजोता सजाता सजाना, गम दुख, पंछी पक्षी, बिसर भूलना। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध लेखन एवं उच्चारण कीजिए। संजोता, भुलाता, इंद्रधनुष, बिरंगा, सीढ़ी, समझाती, बिसर। अब है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कविता में किसका वर्णन है, बचपन का या कवि का? किसका है? बचपन का। बचपन में एक ही पल में हम क्या भूल जाते हैं, खुशी या गम? गम। कौन पल में हंसाता और पल में रुलाता है, गम या बचपन? बचपन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा ये हम अगले कार्य कक्षा में करेंगे, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर मैम आपकी कार्य पुस्तिका में लिखवाएंगी। नेक्स्ट है, कम टू द नेक्स्ट पेज। पंक्तियाँ पूरी कीजिए।
डैश रंगों जैसा, इंद्रधनुष के रंगों जैसा, रंग बिरंगा डैश होता बचपन, रंग बिरंगा होता बचपन, बनकर डैश पंख फैलाए, क्या बनकर पंख फैलाता है, पंछी, डैश में उड़ता बचपन, कहाँ उड़ता है फिर, आसमान। राइट डाउन एवरीवन, कितना सादा होता बचपन, याद कर जब बचपन रोता है मन, इतना सादा डैश क्या आएगा, होता बचपन, डैश रोता है मन, याद कर जब बचपन रोता है मन। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान, समझिए और लिखिए, प्रश्न 5 है, समझिए और लिखिए, खेल खिलौने, खेल और खिलौने, फूल पत्तियाँ, फूल और पत्तियाँ, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, फल सब्जियाँ, फल और सब्जियाँ, सही शब्द चुनकर जोड़े पूरे कीजिए, आपको जोड़े पूरे करने, देखिए रंग बिरंगा, पकड़म पकड़ाई, अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हार जीत। ओके, नेक्स्ट इज मात्राओं के अनुसार तीन तीन शब्द लिखिए, बड़ी की मात्रा जीत, खीर, खीरा, सीख, मीत। नेक्स्ट इज ए की मात्रा बेर, शेर, चेहरा, आपको जो मात्रा दी गई है उसका प्रयोग करके आपको शब्द बनाने हैं। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट आपको दे रखी है ओ की मात्रा और आ की मात्रा, ओ की मात्रा छोटे, ओ की मात्रा बोल, ढोल, बोतल। अब है आ की मात्रा काम, नाम राजा। नेक्स्ट इज शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए, आपको शब्द सीढ़ी पूरी करनी है, ज और ग, जग, गमला, गमला, लड़का, लड़का, काजू, के आ जाए ऊ काजू। कि बेटा अब आप मैम की वीडियो सुनकर अपना अभ्यास कार्य पूरा करेंगे और इस कविता को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ओके देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।